वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी का दिया हुआ मंत्र पूरे देश में गूंज रहा है। काशी का मंत्र था फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में काशी को बदल दिया है। काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। बहनों और भाइयों, आज काशी ने जो मंत्र दिया वह मंत्र पूरे देश में गूंज रहा है। काशी का मंत्र था कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, और मोदी सरकार का मंत्र आज पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने देखा है जो काशी के मन में है वही पूरे देश के मन में है। जो काशी सोचती है आज देश वही सोच रहा है। और काशी की सोच है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बहनों और भाइयों, 400 पार होना है तो काशी में नया रिकॉर्ड भी बनना है। सहमत हैं? बनाएंगे? हम सब काशी वासियों को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि 10 वर्ष में मोदी जी ने काशी की कायाकल्प की है। काशी हमारी अत्यंत प्राचीन और इतिहास और पुराण से भी प्राचीन हमारी पावत्र पावन नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षा का दंश झेलती रही। सड़कें संकरी थी, विकास का अभाव था, ना पानी था। मां गंगा यहां बहती है, वरुणा नदी यहां बहती है, 80 नदी का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। काशी के घाटों की दुर्गति आप देखते हैं क्या थी। यहां के अंदर अगर हम देखते हैं किस प्रकार की अराजकता व्यवस्था फैली हुई थी, कैसे काशी की गलियों में झूलते हुए तार चढ़ाते थे, दुर्घटना को आमंत्रित करते थे। काशी के अंदर दुर्व्यवस्था का आलम हो गया था। और बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में जैसे भारत की तकदीर और तस्वीर को मोदी जी ने बदला, आज भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज भारत न केवल सुरक्षित हुआ है बल्कि आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी किया है।